सावली सी एक लड़की धड़कन जैसे दिल की, सावली सी एक लड़की धड़कन जैसे दिल की, देखे जिसके वो सपने कहीं वो मैं तो नहीं। झूमती हुई सांची सावित्री देवी कॉलेज और हॉस्पिटल की प्यारी सी डॉक्टर, रियल लाइफ में है बहुत अच्छी डांसर। अपनी नानी की दुलारी, अपने भाई की प्यारी, जो है बड़ी ही संस्कारी, रखती है अपनी सेहत का ख्याल, करती है डांस कम एक्सरसाइज। लेकिन सेट पर जाती हैं खुद ही गाड़ी चला के, मेकअप शेकअप लगाकर बन जाती हैं डॉक्टर सांची। जो डॉक्टर होने के साथ साथ वीर के साथ रोमांस लड़ाती है। सास बहू बेटिया में आज हम घर से सेट तक का सफर कर रहे हैं कलर्स की सीरियल सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल की सांची यानी स्वर्धा थिगाले के साथ। रियल जिंदगी में स्वर्धा कैसी है, कैसी लगती है बिना मेकअप के और कैसी लगती है मेकअप के बाद, भाई ये सब जानने के लिए हमें उनके साथ बितानों का पूरा एक दिन, जिसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह उनके घर में जाकर बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। पुणे के रहने वाली स्वर्धा मुंबई में अपनी नानी और अपने छोटे भाई के साथ रहती है और अपने फिटनेस को लेकर बहुत कॉन्शियस है, इसलिए सुबह सुबह वो अपने घर पर हमें मिली इस ट्रेडमिल पर। स्टे फिट स्टे हेल्दी, क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं तो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, और जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं बट स्टिल यू हैव टू बी फिट एंड हेल्दी फॉर योर लाइफ टाइम। जैसे ही मैं उठती हूँ आई हैव सम फ्रूट एंड water, lots of water, और फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स, और फिर मैं तैयार होती हूँ एंड तैयार होके जो अभी टिफ़िन बन रहा है मेरे किचन में वो पूरे दिन का टिफ़िन लेके आई गो टू द सेट। भाई घर में ही इन्होंने जिम बना रखा है, अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हैं ट्रेडमिल के साथ। ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज के बाद पारी होती है कुछ एरोबिक्स की, जिसका तरीका होता है डांस के साथ, तो देख लीजिए स्वर्धा का ये डांस कम एक्सरसाइज। नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई, नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई, उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त से चढ़ गई, हमको तुरंत ऐसे लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे अभी अभी उतरा होने से डोरंट जैसे, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई। इट फील्स ग्रेट जब आप नाचते हो, आपका दिल भी खुश होता है, आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती है और बहुत मज़ा भी आता है और साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती है। इज़न्ट दैट अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। फिर हम फैमिली से मिलेंगे। सी यू। अब चलते हैं स्वर्धा की रसोई में, क्योंकि वहाँ उनकी नानी माँ उनके लिए कांदा पोहे बना रही हैं। तो मैं तैयार हूँ शूट पे जाने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। सो हियर वी गो, दिस इज माय नानी। हाय नानी। तो ये रोज़ सुबह मेरे लिए जल्दी उठती है क्योंकि मुझे टिफ़िन देना होता है और ये मेरे पेट का ख्याल रखती है और पूरे दिन भर का टिफ़िन ये बना के देती है। सो दिस इज़ माई नानी, और सबके पास ऐसी स्वीट नानी होती है, मेरे पास भी है। घर का कुछ काम नहीं है। हाँ मैं घर पे कहाँ रहती हूँ काम करने के लिए। काम करने के लिए टाइम ही नहीं उसके पास। क्या है आज नाश्ते में? पोहे क्या है और पराठे बनाए, रोटी बनाए, सब्जी बनाई है। ये हमारी अपर्णा दीदी है जो बहुत ही स्वीट है, जो सुबह सुबह मेरे लिए जल्दी आ जाती है साथ के।
मेरी नानी है जो शी इज़ अ बिग सपोर्ट, जिनके बिना मैं ये कुछ नहीं कर पाती, बिकॉज हमारा स्केड्यूल इतना टायरिंग होता है कि घर आने के बाद आपको आपके सर के ऊपर से सहलाने के लिए किसी का हाथ चाहिए. और ये मेरा भाई है आर्य, जो बहुत ही बदमाश है, लेकिन मेरा मूड चेयर अप करता है. मेरे इतना सा भी हुआ होता ना तो ये आगे फटाक से पूछेगा कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ही चेयर अप माई मूड. वैसे स्वर्धा और उनके भाई का रिश्ता बड़ा ही खास है. देखिए नाश्ता करते करते भी भाई बहन की छेड़छाड़ जारी है. अब जरा घूमते हैं स्वर्धा के घर को. स्वर्धा रहती है मुंबई के मुलुंड इलाके में, सीधा चेकनाका के सामने. लेकिन कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं जो उनके फेवरेट हैं. नीचे टोल नाका है और बहुत आवाज आती है, लेकिन फिर भी फ्रेश एयर है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. यहाँ बैठ के बस बाहर देखते रहो, और आई सिट हियर समटाइम्स एंड आई रीड बुक्स जब भी मुझे छुट्टी मिलती है तब, क्योंकि हर दिन शूट करते हैं तो पीस चाहिए होता है. जस्ट टू सिट एट होम, कुछ नहीं करना है, बस घर पे बैठे रहना है. सब लोग मुझे बोलते हैं अरे चलना बाहर चलते. एक दिन छुट्टी है, मैंने कहा एक दिन छुट्टी मिलती है, प्लीज़ मुझे सोने दो. ये मेरी रिक्लाइनर चेयर है जो तो ये मेरी बीन बैग है विच आई जस्ट लाई डाउन, और कुछ नहीं, बस देखती रहती हूँ, टीवी देखती हूँ या इधर बाहर देखती रहती हूँ, बस देखती रहती हूँ और सो जाती, इधर ही बैठे बैठे ही सो जाती हूँ मैं कभी कभार. और खाना भी मुझे इधर ही आके मिलता है उस पूरे दिन में, और कुछ नहीं करती हूँ मैं, नथिंग, आई जस्ट डोंट गेट अप फ्रॉम हियर, बस लेटी लेटी टाइम पास. इट्स फुल्ली ओपन विंडो वेयर आई कैन जस्ट सिट एंड गेज आउटसाइड. सो या इट्स फ्रेश और ब्राइट है. ये मैं जनरली रात को खोलती हूँ क्योंकि रात को कम आवाज़ होती है गाड़ियों की, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा है. वहाँ पे आर्य पड़ता है बिकॉज इट्स अ गुड व्यू फॉर हिम फ्रॉम योर ऑल्सो स्वीट होम. बट हियर इन द फोटो यू कैन सी माई मॉम, माई डैड, माई अंकल, माई मासी, आर्य, मी एंड माई नानी. इट्स अ स्वीट फैमिली जहाँ पे हम शाम सुबह और शाम को दिया जलाते हैं, और जब भी मैं सुबह निकलती हूँ तो आई प्रे हियर एंड देन आई लीव. अब स्वर्धा नहा धोकर तैयार है सेट पर जाने के लिए, लेकिन सेट पर जाने से पहले वो भगवान का आशीर्वाद लेना नहीं भूलती. बैग उठाया, नानी और भैया को कहा बाय बाय और निकल पड़ी खुद ही गाड़ी चलाकर अपने सेट की ओर. तो चले, लेट्स गो टू द सेट. तो अब सामान ले लिया है मैंने, खाने की बास्केट भी ले ली है, और अभी नानी और भाई को बाय कहते हैं और सेट पर चलते हैं. बाय नानी, बाय, चलो लेट्स गो. स्वर्धा का ट्रैवल टाइम है 40 मिनट, क्योंकि मुलुंड से नायगांव जाने में लगते हैं पूरे 40 मिनट, और ये 40 मिनट का सफर स्वर्धा खुद ही गाड़ी चलाकर बिताती है, वो भी गाने सुनते हुए और गाड़ी चलाते चलाते डांस करते हुए. 45 मिनट लगते हैं और अगर ट्रैफिक हो तो. स्वर्धा ने अपने करियर की शुरुआत मराठी सीरियल से की थी, इन्होंने कई मराठी सीरियल्स में भी काम किया, और उसके बाद इनका पहला हिंदी सीरियल था सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां वो बनी है सांची. मैंने दो फिल्म्स की, एक मराठी डेली सूप किया माजे मन तुझे साले ऑन कलर्स मराठी ओनली एंड नाउ आई एम हियर. सबसे पहली थी वो थी थोड़ा तुझे थोड़ा माजा, और दूसरी थी महेश मांजरेकर की फ्रेंडशिप अनलिमिटेड, जिसमें सैराट वाला हीरो था जिसमें आकाश ठोसर था. झूमते गाते और बातें करते करते आखिर सास बहू बेटिया का काफिला स्वर्धा के साथ पहुंचा उनके सीरियल सावित्री देवी के सेट पर, जो है नायगांव का रामदेव फिल्म सिटी. गाड़ी से उतरते ही सीधा चलते हैं स्वर्धा के मेकअप रूम में, जहां वो बन जाएंगी स्वर्धा से सांची. सो ये है मेरा मेकअप रूम, मेरा और रिया का. रिया आई गेस आज आ रही है. यस, सो वी आर गोना हैव फन. और नाउ आई एम ऑल सेट टू गेट रेडी. मेकअप दादा ने ऑलरेडी सब तैयारी करके रखी है.
आप लोगों को एक इंसान से मैं मिलवाऊंगी, ये है बंटी दादा, हमारे मेकअप दादा, बंटी द ब्रांड जो आज बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, बहुत अच्छी आई शेडो और आंखें बनाते हैं, और फिर हम इन्हीं से इन्हीं के मेकअप किए हुए हमारे चेहरे का फोटो खिंचवाते हैं और ये बहुत अच्छा फोटो खींचते हैं और दिन भर मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत पकाते रहते हैं अपने गंदे गंदे पीजेस सुना सुना के। अंकित दी डायरेक्टर, रियल लाइफ में अपने किरदार से बहुत ही अलग लगती हैं स्वर्धा, लेकिन मेकअप शेकअप लगाकर बदल जाता है उनका रंग रूप। सबसे पहले चेहरे का रंग बदलता है, फिर आंखों का स्टाइल, और वो बन जाती हैं सांची, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है लेकिन वो थोड़ी ग्लैमरस भी है। आखिरकार मेकअप हो गया और सांची तैयार है। तो आधी सांची तो रेडी हो गई है, अब आधी बाकी है क्योंकि उसे चेंज करना है। तो तो सांची पूरी तरह से तैयार है और अभी सेट पर जाने के लिए भी तैयार है, तो चलिए चलते हैं सेट पर। और आज मैंने ये कलर पैलेट पहना है, इट्स अ पिंक कलर पैलेट, बेसिकली सारे शेड्स हैं पिंक के, एज यू कैन सी। ये ड्रेस जब भी मैं पहनती हूँ तब मुझे एक ही गाना याद आता है, जो माधुरी दीक्षित ने कलरफुल स्कर्ट पहना था। और अब मैं तैयार हूँ सेट पर जाने के लिए और सब मेरा वेट कर रहा है, सो लेट्स गो टू द सेट और देखते हैं क्या चल रहा है सेट पर। वैसे स्पर्धा बहुत अच्छी ट्रांसर है और इस मौके पर वो बन गई घनी बावरी। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई, जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई, अच्छी खासी चटनी चंगी घनी बावरी होगी, मैं 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 घनी। रोज सवेरे नीम अंधेरे घर से भागी, मैं भागी घर से दारे बजते बिना बात के। अब चलते हैं सेट पर जहाँ सांची को वीर के साथ कुछ रोमांटिक सीन्स फिल्माने हैं। भाई सांची और वीर की केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं और आज कुछ ऐसा ही रोमांटिक लम्हा इन्हें फिल्माना है। वैसे यहाँ पर सांची की मम्मी जी यानी शिल्पा शिरोडकर भी मौजूद हैं और साथ साथ सांची को सताने वाले कुछ लोग भी, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसी मस्ती होती है जो सीरियल में कभी नहीं दिखेगी। मैं स्वर्धा को बहुत पसंद करती हूँ, सांची को बिल्कुल नहीं। क्या पसंद है? मुझे बोलने दो दो। मतलब इतना टाइम लेने के बाद ये बोल दिया ये बदला लिया बदला लिया और जम के नहीं मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। अरे यार नहीं यार बस मुझे नहीं करना है ये। अच्छा तो मैं अभी आप मैं इनसे शुरू करती हूँ, वो क्या है ना कि वो बहुत फनी है, मतलब इतना टाइम लेने के बाद ये बोल दिया ये बदला लिया बदला लिया और जम के नहीं मैं किसी के बारे
गंदे थे। ये देखो ये देखो कैसे कैसे बुरा मुझे कुछ नहीं बोलना है, सांची अपने पर्दे की मम्मी शिल्पा शिरोडकर के बहुत ही क्लोज हैं और उन्हें मानती हैं अपना इंस्पिरेशन। सब लोग सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल जरूर देखिए। We'll be right back.